हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी, जिसमें हम बनाएंगे राजमा चावल। क्योंकि मेरे हस्बैंड का खाने का कई दिन से मन हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं राजमा चावल बना लूँ और ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ली थी 1.5 कटोरी करीब राजमा, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब मैंने यहाँ पे लिया है 3 गिलास पानी। राजमा को जो है मैं इस पानी से निकाल के इसमें उबालने के लिए रख दूंगी और करीब 5 से 6 सीटियाँ लगवा लूंगी। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक आलू, क्योंकि मेरी बेटी खाती है, उसको छोटी है ना, तो वो ये सब नहीं खा पाती है राजमा, तो मैं उसको ज़्यादातर आलू ही खिलाती हूँ। तो मैं इस अभी जो है कुकर में 4 से 5, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल, ताकि जो है जब हमारे कुकर में सीटी लगती है तो उसका जो पानी है वो बाहर ना आए। और इधर मैं कुकर बंद कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारे कुकर में सीटियां लग गई थी। इधर मैंने गैस फ्लेम को जो है ऑफ कर दिया है। तो मैं एक बार आप लोगों को राजमा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमारी जो राजमा है वो बॉईल हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, क्योंकि देखिए ऐसे फूट गई है बीच में से। तो यहाँ पे मैं इसको साइड में रख देती हूँ और तब तक जो है हम अपने मसाले की जो है तैयारी कर सकते हैं। तो राजमा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 3 मीडियम साइज की प्याज, 2 टमाटर, थोड़े से लहसुन जिसको मैंने पहले ही छील के रख लिया था, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 हरी मिर्ची। तो सबसे पहले मैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची को कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्याज को छील के बाकी सब्जियों को जो है अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं जो है मिक्सर जार में जो है मोटा मोटा कट करके इस तरह से टमाटर के टुकड़े डाल दूंगी इसका पेस्ट तैयार करने के लिए। और साथ ही हम डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, और इसका जो है एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैं अभी इसको साइड में रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, प्याज का जो है मैं पेस्ट नहीं बनाऊंगी, इसको मैं बारीक चॉप कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने प्याज को भी चॉप कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा हरी मिर्ची, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। मैं सबसे पहले इसमें 1 बड़ा चम्मच करीब तेल चढ़ा लूंगी। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, और इधर मैं सबसे पहले डालूंगी, इधर मैंने लिए है 2 तेज पत्ता और 1 इलायची। तो मैं इसमें ऑयल में डाल दूंगी, और इसके बाद जो हमने प्याज चॉप करके रखी थी वो, और इसको जो है ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब मैं जो है इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी। तो अब हम एक एक करके सभी मसाले जो है इसमें ऐड करेंगे। इधर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच करीब हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची जो है फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इधर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच करीब धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैं डालूंगी 1 चुटकी करीब हींग, और साथ ही हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच करीब गरम मसाला,
सारी मसालों को जो है भून लेंगे टमाटर के पेस्ट के साथ। फ्रेंड्स यहाँ पे हम मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक जो इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता पेस्ट से। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा तेल है वो मसालों से सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब जो हमारा मसाला है वो पक चुका है। अब हमने जो राजमा बॉईल करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स जो हमने राजमा बॉईल करके रखी थी वो मैं पानी के साथ ही इस तरह से जो इसमें डाल दूंगी। तो देखें यहाँ पे फ्रेंड्स अब मैं जो इसको ढक के रख दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने आलू भी बॉईल किया था मेरी बेटी के लिए वो भी मैं इसको कट करके ही डालूंगी क्योंकि उसको आलू ही पसंद होता है खाने में, वो ज्यादातर आलू ही खाती है। एक बार मैं फिर से चला दूंगी। अभी जो है हम उबाल आने तक राजमा को ढक के रख देंगे। उबाल आने के बाद जो है हमें गैस फ्लेम को जो है कम कर देना है और 5 से 10 मिनट के लिए राजमा को पकने के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना राजमा को 10 मिनट हो चुके हैं तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो हमारी जो राजमा की जो करी है वो गाढ़ी हो चुकी है और मैं यहाँ पे जो है अब गैस फ्लेम को बंद कर देती हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे जो है इस पे धनिया डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी सब्जी बनके तैयार हुई है। तो अब हम जो है चावल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स राजमा हमारी तैयार हो चुकी है, अब जो है हम चावल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर मैंने कुकर चढ़ा दिया है, उसमें मैंने 2 तेज पत्ता, यहाँ पे हमारा जो जीरा है वो ब्राउन हो चुका है, मैं जो है चावल को भी इसमें डाल दूंगी। चावल में मैं यहाँ पे डाल दी हूँ 1/2 चम्मच नमक। तो अब हम जो है चावल में पानी डाल देंगे और इसकी 2 से 3 सीटी लगवा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी राजमा चावल की प्लेट रेडी है और देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगी। आप भी प्लीज मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स अगर आज आपको मेरी राजमा चावल की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।